नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत पे मर्चेंट आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है स्टेप बाय स्टेप। रजिस्टर करने के पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और पैन नंबर या जीएसटी नंबर। आइए हम वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से भारत पे को हमको रजिस्टर करना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत पे में आईडी और बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। तो चलिए देखते हैं। हमें अपने फोन की स्क्रीन से गूगल पे तो ओपन करके भारत पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में भारत पे को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इसमें गेट स्टार्ट ओपन क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंडीशन आएंगे, तो आप आई एग्री टू टर्म्स ऑफ यूज एंड एक्सेप्ट कर देना है इसको। इसके बाद में इन सभी को अलाउ करके, कॉन्टेक्ट एंड एसएमएस को अलाउ करके और एक्सेप्ट कर लेना है और लोकेशन को ऑन कर देना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर चूज कर लेने हैं। मोबाइल नंबर चूज करने के बाद हमें ओटीपी आएंगे, तो ओटीपी वेरिफिकेशन करवा लेना है। ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में हमारी आईडी ओपन हो जाएगी, जो हमारी भारत पे की आईडी है वो हमें ओपन हो गई। उसके बाद में हमें अब यहाँ से अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे जो थ्री डॉट्स आ रहे हैं, हमें वहाँ पे उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमारे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ओपन कर देने के बाद में आपको बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर एड अ न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सभी बैंक्स की डिटेल दिखेगी, उसमें तो आपको मोर बैंक पर क्लिक कर देना है। मोर बैंक पर क्लिक कर देने के बाद में आपको यहाँ पे सभी बैंक की डिटेल मिल जाएगी। सभी बैंक की डिटेल मिलेगा, तो मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में मेरे फोन नंबर से काफी अकाउंट हैं, तो मैं अपना एक अकाउंट चूज कर लेता हूँ, जो जिस अकाउंट से मुझे भारत पे को यूज करना है। अकाउंट चूज कर लेने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको आपको पैन नंबर या आपसे जीएसटी नंबर मांगेगा। तो मैं यहाँ पे अपने पैन नंबर फिल कर लेता हूँ। जो मेरे पैन नंबर है, मैं यहाँ पे अपने पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर डाल देने के बाद में कंटिन्यू करने के बाद में हमें यहाँ पर वापस ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद हमें यहाँ पे ओटीपी को डाल देना है। जो हमारा ओटीपी है उसको हमें यहाँ पे फिल कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद भी कंटिन्यू कर देना है और डन कर देना है। और ये है आपका बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। इसके बाद में अगर आप फ्रेंड्स इसमें बिजनेस डिटेल यहाँ पे आपको जैसे कि इंटरफेस दिख रहा है कि बिजनेस नेम जो भी है, आप अपना बिजनेस नेम डाल सकते हो। मैं अपना डाल सकता हूँ। बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी और बिजनेस सब कैटेगरी हमें यहाँ पे तीनों डाल देनी है। इलेक्ट्रिशियन डाल देते हैं, और इसके बाद में सेकेंड में हम इलेक्ट्रिशियन शॉप डाल देते हैं, जो हमारी बिजनेस की डिटेल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, डालने के बाद में आपकी बिजनेस डिटेल इसमें फिल हो गई है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।